नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। हमारी विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है शहर की सरकार, क्योंकि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। शहर की सरकार चुनने को जनता तैयार है, लेकिन इस बार किसका होगा वार्ड, किसकी निगम में बनेगी सरकार, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको हर वार्ड की जमीनी हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, इलाका कितना पिछड़ा है, क्या है वार्डों की समस्याएं और इस बार किस पर है जनता की आस। अगर बात करें अंबाला नगर निगम चुनाव की, तो हरियाणा जनचेतना पार्टी के ताल ठोकने के बाद समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बलदेव नगर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 2, 3, 4 और 5 के लिए कार्यालय खोला गया है। अंबाला के 20 वार्डों में हरियाणा जनचेतना पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें से पार्टी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जबकि 6 उम्मीदवारों का नाम तय होना अभी भी बाकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उनका मकसद सिर्फ शहर का विकास करना है और जिस सेवा भाव से वो काम करते आए हैं उसी भाव से आगे भी काम करेंगे और हर वार्ड की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शहर की सरकार चुनने का समय है और ऐसे में जनता केवल उस पार्टी पर अपना भरोसा जताएगी जो विकास के दावे करेगा और जमीनी हकीकत जनता तलाशेगी कि आखिरकार विकास करवाए भी जाएंगे या फिर नहीं, और इसी को लेकर के सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं अगर हम जन चेतना पार्टी की बात करें तो यहां पर पूरी तरह से तैयारी शुरू हो गई है, कई उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं और वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया गया है और इस कार्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे और वो रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से शहर में सरकार को मजबूत बनाना है, किस तरह से शहर का विकास करना है, जनता के हित में कार्य करना है और जनता की समस्याओं को दूर करना है। और इसी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ये कह भी चुके हैं कि हम जनता की सेवा के लिए ज़मीन पर उतार रहे हैं, मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जो कि जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। लेकिन जन चेतना पार्टी को अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम लगातार हर रोज़ आपको लोगों के रिएक्शन सुनवाते हैं और अभी से जन चेतना पार्टी अपनी एक मजबूती, एक आधार बनाती हुई दिखाई दे रही है और लगातार लोगों का विश्वास अभी से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ जनता हर पहलुओं पर पार्टी को परखेगी कि विकास आगे कितना करवाया जाएगा, क्योंकि अगर हम गली कूचों की बात करें तो मुख्य जो समस्याएं होती हैं, सड़कों की समस्या होती है, पीने के पानी की समस्या होती है, इसके अलावा सिक्योरिटी की समस्या होती है। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रख करके जनता अपना कीमती वोट देगी और शहर की सरकार बनाएगी और शहर की सरकार बनाने के लिए जनता भी पूरी तरह से तैयार है और तमाम पार्टियां भी पूरी तरह से तैयार है। तो शहर की सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, जन चेतना पार्टी ने भी कमर कस ली है और रिस्पांस की अगर हम बात करें तो लगातार हम आपको पिछले 3 से 4 दिनों से हम लगातार रिस्पांस भी दिखा रहे हैं, जनता का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हम आपको बताएं कि उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, महज कुछ उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है और सभी सीटों पर जन चेतना पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार देगी और उसके बाद पूरी
कोशिश की जाएगी कि जनता के दिलों तक पहुंचा जाए, जनता की हर बात सुनी जाए, हर समस्या को सुना जाए। जो समस्याएं जनता को आ रही हैं, जो समस्याएं इससे पहले नहीं सुनी गई हैं, नहीं देखी गई हैं, नज़रअंदाज की गई हैं, चाहे वो साफ सफाई की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, हर उस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। और हर पार्टी का मकसद यही है कि जनता का दिल जीत लिया जाए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए। ऑफिस का उद्घाटन हुआ, अच्छे उम्मीदवार आपके सामने आए हैं। कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमें देखना है कि आने वाले समय में इस शहर की उन्नति और तरक्की के लिए, यहाँ की सफाई के लिए, लाइट लिया, यहाँ की यहाँ के पानी की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए और खास तौर पर हमारे नौजवान बच्चों की नौकरियों के लिए क्या प्रावधान हो सकता है। तो सीन में नहीं कहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हम अगले आने वाले 5 वर्षों में कॉर्पोरेशन के जरिए 2000 नौकरियां पक्की लगवाएंगे। रोजगार मिलना एक किस्म का बंद हो गया। आप लोगों ने जो फैसला करना है कि कौन चलाए, तो फैसला कैसे करें? कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो निस्वार्थ रूप से शहर की सेवा करें, इसके लिए आपको चुने और फिर आप उनका रिकॉर्ड देखें। 2005 से लेकर 2014 तक जो कार्य हुए हैं और 14 से लेकर आज तक जो कार्य हुए हैं उनका मिलान कर लीजिए, कितने बच्चों को नौकरियां लगी हैं, कितने कार्य हुए हैं, कैसा माहौल है, कैसी शांति है। जब इसका मुकाबला करेंगे, देखेंगे, तोल मोल करेंगे, तो पता चलेगा कि कौन लोग हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है कि वो आगे आने वाले समय में आपको, इस शहर के विश्वासों को, इस शहर के नौजवान बच्चे और बच्चियों को कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। IMT का मुद्दा खत्म हो गया था, कुछ अपने ही कुछ लोगों ने, यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया। मेरे साथी ने कहा कि IMT हम लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, वो तो हमारा एक निशाना है जिसकी वजह से बहुत प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करेंगे, पहले भी काम किया है आगे भी काम करेंगे। लेकिन देखना यह है कि आपके शहर की आने वाली जो भविष्य है वो सुरक्षित होना चाहिए उन हाथों में जिनका अपने आप में, अपने लिए करने में कम विश्वास हो, जिनका निस्वार्थ रूप से सेवा करने में ज्यादा विश्वास हो। ये तभी संभव हो सकता है और ये तभी सुनिश्चित आपने करना है। आज के बाद आगे जो मीटिंग होगी मैं उसमें भी अपने विचार रखूंगा, लेकिन एक बात मैं कहने आया हूँ, मेरे साथी यहाँ पे आए हैं, कि ये मत सोचिए यहाँ हमने दफ्तर खोला और हमारा काम खत्म। काम तो भाई शुरू हुआ है, अब अगले 15 दिन, आज 13 तारीख है, 27 में वोटिंग का दिन कौन से बचे, 15 दिन है, 14 दिन बचे। इन 15 दिनों में आप लोगों को, साथियों को मिलकर दिन रात एक करना है। ये समझना है कि चुनाव मेरा है, मेरा मतलब मेरा नहीं, आपका अपना चुनाव है, आप अपने चुनाव को लेकर चले जैसे कि अपना चुनाव है, उस तरह से चलेंगे तो हम लोगों में संपर्क में आ सकते। और वहीं जन चेतना पार्टी से टिकट मिलने के बाद तमाम उम्मीदवार अपने अपने इलाके के विकास की बात कह रहे हैं। साथ ही निगम चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पार्टी से टिकट मिलने से काफ़ी उत्साहित भी हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी जीत होती है तो वो इलाके की सभी समस्याओं का हल करेंगे, खास करके उन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी का बड़ा आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। समाज की सेवा करना ही हमारी पार्टी का अहम उद्देश्य है जो हम करते रहेंगे। और विनोद शर्मा जी के कार्य का बखान करने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अम्बाला का हर एक निवासी उनके काम की गवाही देता है।
और आगे भी समाज के कार्यों के लिए विनोद शर्मा जी की छतर छाया के अंदर हम कार्य करते रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो मुद्दे हैं, जैसे सड़कें हो गई, नालियां हो गई, गलियां हो गई, उनका आगे भी विनोद शर्मा जी ने बहुत उनको करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो आगे भी हम करते रहेंगे, उनकी छतर छाया के अंदर हम काम करते ही रहेंगे। जब से शर्मा जी अपनी राजनीति से दूर हुए थे, जब से हमारे वहाँ कोई कार्य किसी भी तरह का नहीं हुआ, जैसे ही इन्होंने कहा कि हम दोबारा राजनीति में आ रहे हैं, तो जो हमारे वार्ड के लोग हैं उन्होंने खुशी की लहर होगी कि शायद हम दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जैसे हमारे विकास पहले होते थे। पहले नौकरियां थी, नालियां, सड़कें, मतलब बलदेव नगर को, तो ये जो नई राजनीति आई अब इन्होंने ऐसे सोच लिया शायद ये शहर का हिस्सा ही नहीं है। कभी भी कोई भी किसी भी कार्य, जैसे अब कोरोना काल था, कोरोना काल में शर्मा जी ने हर घर घर में सैनिटाइजर दिया, सैनिटाइज किया, लेकिन जो प्रशासन का काम था उसको शर्मा जी ने निस्वार्थ किया। अब इनके दोबारा राजनीति में आने से हम लोगों के जितने भी हमारे साथ के लोग हैं उनमें खुशी की लहर है कि हम दोबारा हमारा जो है प्रगति की ओर जाएंगे। हम ये मुद्दे रहेंगे कि जो जैसे कि सड़कों का निर्माण करवाएंगे उनकी, और सर मरम्मत करवाएंगे सड़कों की, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी आ रही हैं, मतलब प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन करेंगे। हर समस्याएं जो भी हो रही है उनका डटकर मैं उनको उठाऊंगी समस्याओं का और उनका हल करूंगी सर। और मैं श्री विनोद शर्मा जी का धन्यवाद शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे MC के इलेक्शन के लिए मेरा चुनाव किया है। तहे दिल से मैं उनका शुक्र करती हूँ और मैं जनता को ये कहूँगी कि वो मेरा समर्थन करे और मैं जहाँ तक हो सके उनके हर एक समस्याओं का हल करूँगी। जो भी समस्याएं हैं वार्ड की, सारी समस्याओं के लिए मैं उनके लिए खड़ी हूँ सर। वार्ड नंबर 15 से टिकट मिला। जनता के बीच जो जनता की समस्याएं हैं उनको अपने पूरे विश्वास से हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हमारे वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बना हुआ। एक तालाब है हमारे मंदिर का जो आज तक खुदा पड़ा है, लेकिन अब तक उसको पक्का नहीं किया गया। अगर उसे पक्का किया जाए तो मंदिर की सुंदरता भी बढ़ेगी। और दूसरा, शर्मा जी ने हमारे यहाँ बहुत विकास करा, जैसे नहरी पानी हुआ, नौकरियाँ हुई, गलियां, नाड़ियां, सीवरेज, सब कुछ उनका किया हुआ। उसके बाद हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ उस टाइप से जो कि हम कह सकें, और जनता की समस्याओं को प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे वार्ड में सफाई का बहुत ही बुरा हाल है, कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं आते, जितने मर्जी को कॉल करो आप बुलाओ बिल्कुल भी नहीं आते। जहाँ तक तो मैं सर सफाई का ही दिक्कत है। हाँ जी, हम चाहते हैं कि वार्ड के बंदों के साथ रहें और उनका निपटारा करें। को विनोद शर्मा जी ने 18 नंबर वार्ड से टिकट दिया है। जैसे कि पहले भी विनोद शर्मा जी ने हमारे वार्ड में पार्कें बनाई हैं, बहुत से लड़कों को रोजगार दिया है, उन्हीं मुद्दों में हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनको ये समझाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि जैसे शर्मा जी ने पहले काम किया उससे ज़्यादा और काम करेंगे। मैं चुनाव शर्मा जी के आदेश के मुताबिक जिस तरह जो भी हम कर सकेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमारे सेक्टर में बहुत समस्याएं हैं, जिसमें अपना मूलभूत समस्या ही उनके कम्प्लीट नहीं है। मूलभूत समस्या में भी उनका, जैसे सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पानी की समस्या, कोठी नंबर 900 से आगे जितनी भी कोठी हैं उसमें पानी नहीं आता। और हमें जो मतलब शर्मा जी के टाइम में वो पानी सीधा मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे चढ़ता था, वो आज नीचे ग्राउंड जो बेसमेंट में अपनी टंकी बना रखी है जो लोगों ने बाहर अपनी, उसमें मुश्किल से आता है और वहाँ से वो लिफ्ट करते हैं पानी। उसके अलावा सीवरेज की हमारी बड़ी ब्लॉक है, पाइपें, सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। हाउस टैक्स की बहुत समस्या है। हाउस टैक्स बोले 3 साल पहले निगम में गया था और अब 9 साल का टैक्स मांग रही हैं, जबकि अभी ले रहे हैं और सब्जेक्ट का कोर्ट डिसीजन है, कोर्ट में उसमें चल रहा है। उसके अलावा हमारा एनहांसमेंट के बड़े मुद्दे हैं। एनहांसमेंट मतलब जिन्होंने दे दिया, मतलब सारा जमा करा दिया अपनी, मतलब FDIAं तोड़ा के जाओ, वो उसमें उनको मतलब सरकार ने दिया है, जो पैसा जमा नहीं करा सकते थे या किसी वजह से नहीं करा सकते थे या डिफाल्टर हैं, उनको 40% मतलब उन्होंने रिबेट दिया है। हम चाहते हैं अच्छा विकास हो। शर्मा जी का अच्छा नाम है अम्बाला में, शर्मा जी का परिवार है, अम्बाला को परिवार समझते हैं, वो परिवार है उनका। तो अब हमें मौका मिला है सुधार करने का, तो सुधार करेंगे। और शर्मा जी का जन चेतना बी का पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा। और मैं चाहता हूं कि जो मेरी ड्यूटी लगाई गई है, जहां पे मेरे को रखा गया है, मैं शर्मा जी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सीट जीत करके उनकी झोली में डालूं। मुद्दे सर, मुद्दे की बात रही, मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे हैं लोगों को साफ़ सुथरा, साफ स्वच्छ प्रशासन
की तरफ से जो भी योगदान होते हैं वो उनको दिलवाना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है उनके साथ खड़ा होकर किसी भी ऑफिस में, चाहे वो निगम का ऑफिस हो, तहसीलदार साहब का ऑफिस हो या DM का ऑफिस हो, साथ जाके उनके काम कराना। हमारे मेन मुद्दा रहेगा गलियों का, नालियों का, जो सफाई का जो शर्मा जी ने शुरू किया था उसको सुचारू रूप से डोर टू डोर सफाई। और हरियाणा जनचेतना पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद शहरवासियों का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने शहर के वार्ड नंबर 4 में पहुंच करके लोगों से बातचीत की तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि वार्ड में समस्याओं का अंबार है। इलाके के लोग पीने के गंदे पानी की सप्लाई से काफ़ी परेशान हैं, तो वहीं टूटी सड़कें एक बड़ी समस्या बन चुकी है। और यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इन दिनों काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। लोगों ने कहा कि जब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यहाँ रहे तब तक इस इलाके में बहुत काम हुए, लेकिन अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने यह भी बताया कि कोरोना के समय में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इलाके को सैनिटाइज करवाया और सैनिटाइजर भी बंटवाए, जिन घरों के लोगों को खाने की ज़रूरत थी वहाँ खाना भी पहुँचाया। और अब नगर निगम चुनाव में लोगों का मूड हरियाणा जनचेतना पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि शहर की सरकार बनने वाली है, लेकिन उस बीच शहर की तस्वीर क्या है ये दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग गंदगी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा पीने का साफ पानी वहाँ पर नहीं मिलता है, और इसके अलावा सिक्योरिटी का भी एक रीज़न है जहाँ पर लोगों को लगता है कि चोरी चकारी की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने ये माना है कि जन चेतना पार्टी उन्हें एक उम्मीद के रूप में दिख रही है कि जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यहाँ पर रहे हैं पहले भी, और तब इस प्रकार के हालात नहीं थे, लेकिन अब जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन अब एक और मौका है जब इस पार्टी को वो जिता करके एक मौका देना चाहते हैं। चलिए आपको वार्ड नंबर 4 में रहने वालों का क्या कुछ कहना है, उनकी समस्याएं क्या हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। ये सबसे बड़ी तो पानी गंदा आता है, पानी या तो कोई टाइम आएगा नहीं, आ रहा है तो गंदा आएगा पानी, पानी पीने में भी ये वगैरह नालिये गंदी रहेंगी, ये चूजे गंद पड़ा रहेगा, यहाँ कुछ भी वो नहीं है ठीक। जो शर्मा जी थे उस टाइम सब कुछ बढ़िया था, पानी भी ठीक चल रहा था, पानी दोनों टाइम बढ़िया आता था, अब कभी आएगा सुबह आएगा या शाम को नहीं आएगा, ये दिक्कत रहती है जी। कोरोना पे भी ध्यान दिया जी, सब कुछ करा, सैनिटाइज भी हुए हैं, सारा एरिया सैनिटाइज हुआ है, पीछे पानी भरा रहता है वो भी वहाँ पे भी सैनिटाइज करा, सब कुछ दवाई दुवाई सब कुछ छिड़की गई है जी, सारा कुछ, रोटी वगैरह जिस पे नहीं खाने का वो था सारा कुछ करवाया गया जी, शर्मा जी के थ्रू हुआ था ये सब कुछ काम। विकास कार्य करवाए, एक बड़ी लंबी लिस्ट है उनकी, एक मैं कुछ विकास कार्यों की जो मेन विकास कार्य हैं उनकी बताता हूँ। सीवरेज डली अंबाला में, वो भी उनकी कंस्टिट्यूंसी से हरियाणा में शुरुआत हुई, स्टेडियम बना उनकी कंस्टिट्यूंसी में, और जितनी नौकरियां लगी बिना भेदभाव के बिना पैसे से लगी, और राजनीति में एक पवित्रता आई, लोगों को विश्वास हुआ कि राजनीति में ईमानदार लोग हैं। वो नो शर्मा जी ने वो मिसाइल कायम कर दी। नंबर बोर्ड से ना था, पानी साफ आता, गंदा पानी आता, ना कोई सड़क का हाल बुरा हाल, ना सफाई का कोई प्रोग्राम है, जमादार नहीं आता है कोई, ज़्यादा ना चिर शर्मा रहा, बहुत कम ठीक होंगे रहे, इतने सफाई भी होंगी थी, पानी का प्रबंध भी ठीक था, और गलियां गुलियां भी सब पक्के करते थे उन्हें। समस्या तो बहुत है, समस्या की दसी है कि नहीं, अंदर पानी आ रहा, सड़क इतनी नीवियाँ कर दी ने, कोई बनाइया नहीं, इस तरह पीया ने, इतना कूड़ा गंद है गए, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है गए। शर्मा जी अगे सन तो भी बहुत अच्छा ठीक सी, कोई ऐसी गल नहीं, उन्होंने जान तो बाद कोई किसी किस्म का कुछ नहीं। बस सर समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम बलदेव नगर में जो समस्या है वो लोगों को पानी की समस्या है, गंदा पानी आता है लोगों के घरों में, जब से पीछे प्रशासन ने नई पाइप डलवाई थी तब से क्या हो रहा है कि जो नई पाइपें जितनी ठेकेदार ने डाली हैं मैक्सिमम वो जगह जगह लीकेज कर रही हैं, वो लोगों के घरों को जो कनेक्शन दे गए हैं वो मैक्सिमम लीक हैं, और पब्लिक इसलिए परेशान है कि जब पब्लिक हेल्थ वालों को फ़ोन किया जाता है तो उनका जवाब होता है जी ये नगर निगम वाले करेंगे, नगर निगम वाले हैं वो ना तो जय साहब फ़ोन उठाते हैं ना नगर निगम वाले सुनते हैं, तो इस गंदे पानी की वजह से समस्या सबसे बड़ी है। दूसरी समस्या ये है
कि सफाई का बहुत बुरा हाल है। नालियां अगर निकालते ही नहीं है, अगर निकाल के जाते हैं तो एक एक हफ्ता उनको उठाते ही नहीं है। ये मेजर समस्या जो है बलदेव नगर में पानी की और इसकी है। और सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे विधायक जी हैं वो शहर का सौंदर्यकरण करने में लगे हुए हैं। बलदेव नगर मेन जो चौक है पुल के नीचे से लेके नेशनल मॉडल स्कूल तक 5 मेन रोड हैं, लिंक रोड हैं, जो बलदेव नगर से निकलने के रास्ते हैं। वो उन पांचों में इतना बुरा हाल है कि पैदल भी वहाँ नहीं आदमी जा सकता। उस तरफ किसी प्रशासन का किसी का कोई ध्यान नहीं है। पानी के लिए लोग सबसे परेशान हैं कि लोगों के पास अब पब्लिक हेल्थ का नंबर तो कहीं से ले लेते हैं। पब्लिक हेल्थ वालों का एक ही जवाब होता है, जी निगम वालों से बात करो। निगम वाले ना तो फ़ोन उठाते हैं ना उसको करते हैं। गंदा पानी पी के लोग कहीं बीमार हो रहे हैं। हैं जी, पहले काम होते रहे, शर्मा जी के टाइम में बहुत काम हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। शर्मा जी के टाइम में क्या था, प्रशासन जो है वो सरकार पे हावी नहीं था। अगर हम किसी फ़ोन करते थे तो प्रशासन सुनता था, अब प्रशासन सुनता ही नहीं है। जई साहब को फ़ोन मारो वो नहीं गौर करते, एक्शन साहब को बोलो वो नहीं गौर करते। जब तक हाईलाइट ना करो किसी कंप्लेंट को तब तक उसका समाधान ही नहीं करते। तो वार्ड नंबर 4 के लोगों को सुना आपने, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वर्तमान पार्षद से तंग आ चुके हैं और अब बस पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी से उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं। अंबाला के अलावा सोनीपत और पंचकुला में भी वोटिंग 27 दिसंबर को होनी है और इसी दिन लोग अपने शहर की सरकार चुनेंगे।